हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बारी एक न्यू पबजी की वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं एक और बारी खेलने जाने वाला हूँ पबजी। और हाँ, आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी अलग होने वाली है बाकी वीडियो से। आज की जो वीडियो है उसमें मैं अच्छे वाले अपनी पबजी के ट्रिप्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जो मेरे को पता है। लेकिन ये जो पबजी के ट्रिप्स और ट्रिक्स हैं ये मेरे को इन्हें ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगी है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि अभी के अभी वीडियो को लाइक मार दो और अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं इनको ढूंढने में मेरे को अभी बहुत ही मेहनत लगी है। और एक्चुअली में अगर आप इन ट्रिक्स को ध्यान से सुनो, दो तीन बार सुनो, और ये जो ट्रिक्स हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सकती है। बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होगी। और कुछ कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, मैं हर घर में जाके एकदम अच्छी वाली ट्रिक्स अपनी दिखाता रहूँगा। और वैसे तो अभी मैं पबजी मोबाइल लाइट खेल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑफिशियल पबजी खेलते हैं तो भी आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी वो बात सुनेंगे तो आप नॉर्मली दोनों में ही प्रो बन सकते हैं, और अलग अलग तरीके के मैप में प्रो बन सकते हैं जो मैं ट्रिप्स बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अभी क्या अभी लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब मार दो। मेरे को याद है मैंने पहले भी एक ऐसी पबजी की ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी थी और उसमें मेरी ढंग से आवाज़ नहीं आ पाई थी। लेकिन अब मैं आवाज़ के लिए ये सब मतलब आवाज़ के लिए तो नहीं, अब मैं दोबारा खेल रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स के लिए खेल रहा हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे हो तो फिर आपको पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप कहाँ पे कूदना चाहते हो, कहाँ पे अपनी जगह लोकेशन बनाना चाहते हो। और अक्सर हेडफोन्स पहन के खेला करो, वो भी या फिर गेम की वॉल्यूम तेज करके, क्योंकि अगर वैसे करके आप खेलोगे तो ये आपको समझ आ पाएगा कि कहाँ पे गोलियाँ बज रही हैं। ज़्यादातर लोगों के बीच में जाया करो। मैंने तो अभी गेम की आवाज़ स्लो कर रखी है, क्योंकि अगर मैं गेम की आवाज़ फास्ट करके बोलूँगा तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे पाएगी। ज़्यादातर टीममेट्स के साथ रहा करो, ठीक है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और इसने भी एकदम सही जगह पे कूदा है। ज़्यादातर ऐसे ही जैसे ही मैप स्टार्ट हुआ वो वहाँ पे शुरू में ही कूद जाया करो। तो मैं एकदम स्टार्टिंग में कूद गया अपने टीममेट को फॉलो करते हुए। और स्टार्टिंग में कूद के ये फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी वाली लूट मिल जाएगी, फिर आप पहले ही मार सकते हो सबको। अभी यहाँ पे मैंने टीम मेट्स को लूट में जाने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ इन घरों में जाऊँ, यहाँ पे अच्छे वाले घर की झुंड बने हुए हैं। और यहाँ पे आते ही अभी मेरे को एक अच्छी गन मिली है, अच्छी हेलमेट्स, ये सब चीज़ें लेनी ज़रूरी है, ले लिया करो। और ऐसी जो कार होती है कार को अक्सर लिया करो, लेकिन अभी मैं थोड़ी और लूट मचाना चाहता हूँ। कार यहीं पे रहेगी या फिर अगर मैं देख रहा हूँ कार को अभी। और ये देखो, ये ज़्यादा बढ़िया वाली हेलमेट है। ज़्यादातर जिस पे येलो पॉइंट आते हैं वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इन सबके बारे में तो आपको पता ही होगा। और मेडिकल फैसिलिटीज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, और कोशिश करनी होती है कि हम कोई और बटन दबा रहे कोई और बटन ना दब जाए, या फिर पीसी में खेल लो, पीसी में इजी होता है, लेकिन मैं मोबाइल में ही खेल रहा हूँ अभी तो। अभी मैं थोड़ी और लूट मचा लेता हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर लोगों को ढूंढूंगा। बस मेरे पास सेकेंडरी वन के तौर पे अभी पिस्टल ही है। पहले ज़रा दोनों की स्कोप चेक कर लेता हूँ। और ये देखो, ऐसे वाले जो घर होते हैं अगर आप ऐसे यहाँ से चिपकोगे तो यहाँ पे आपको अंदर का कुछ नहीं दिख सकता, यहाँ पे अंदर इतना कुछ है भी नहीं। लेकिन इस वाले घर के एक और प्रोसेस है, जैसे मान लो अभी आप बाहर हो, यहाँ पे अभी आप बाहर हो और आप जल्दी से कोई सामान ले उठाना चाहते हो, तो यहाँ से एकदम वॉल से आपको ऐसे चिपकना पड़ेगा, तो आप अंदर के सामान पता कर सकते हो और बाहर से ईजिली उठा सकते हो। अंदर जाके टाइम वेस्ट करने के अलावा बाहर से ही नॉर्मली उठा सकते हो। और देखा करो यहाँ से
ये जो एक्चुअली मेरे टीममेट्स हैं, मेरे मेरे को छोड़ के ही गाड़ी ले गए। मैं गाड़ी लेके जा सकता था लेकिन मेरे को अभी लूट मचाने में ध्यान है। अगर मैं दोस्तों के साथ खेल रहा होता तो ये ना होता। यहाँ पे एनी भी बता रहा है कोई। जैसे इस जैसी जगह की लोकेशन ऐसे मार्क कर लिया करो, उससे इजी रहेगा। और यहाँ पे कोई एनिमी है क्या? अरे सर, ये अभी मेरा गलती से बटन दबा एकदम ऐसे। ये बंदा अभी मुझे ढंग से मार नहीं पा रहा। ये तो अभी एक्चुअली मेरा लक अच्छा था, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमें हर तरफ देखना चाहिए। मैं सामने जाने के चक्कर में पीछे से मैं दिखाई नहीं, और ये आदमी मुझसे एक्चुअली छुप रहा था। ये जो आई वाला बटन होता है, इससे आप हर तरफ देखते हो। और अगर आपको लगता है कि गोलियां पड़ रही हैं लेकिन तेज नहीं पड़ रही, ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा, तो फिर नॉर्मली देखा करो। लेकिन अगर तेज पड़ रही है, ज्यादा डैमेज हो रहा है, तो कूद आ करो कुछ ऐसे। और मुझे पता है कि मेरी गेम थोड़ी थोड़ी लैग कर रही है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा वो नेटवर्क कंज्यूमिंग है, नेटवर्क तो चाहिए ही होता है ज़्यादा। ऊपर मेरी टीममेट्स की कार जा रही है। यहाँ पे तो डेथ हो पड़े हैं। और अगर पानी में से तैर रहे हो तो अंदर घुस के तैरा करो। ये तो अभी गलती से मैं पानी के अंदर थोड़ी ज्यादा देर रह गया था, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी वो हेल्थ कम हुई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को एक्चुअली जल्दी से ऊपर उठना था। अभी मैं देख सकता हूँ आसपास कोई नहीं है, लेकिन मैं नीचे जा रहा हूँ और ऊपर भी आ रहा हूँ। और मैं इस सेफ जोन के अंदर तक पहुँच ही चुका हूँ। वहाँ पे एक क्रेट गिरा है, मेरे को उसके पास थोड़ी ध्यान से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सामने एक आदमी घूम रहा है, इसको मारने के लिए मैं अभी यहाँ जगह के पास तो आ ही गया हूँ। तो मेरे अभी 2 किल्स हो चुके हैं। ज़्यादातर ऐसी मेडिक्स जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया करो, उससे अच्छा रहेगा।
से कंटेनर होने के चांसेस ज्यादा है, और साथ में लेवल भी आपके अच्छे तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का घर है, अगर आप ऐसे खड़े होगे तो फिर बाकी आपकी चीजें पता चल सकती है। लेकिन अभी तो मैं भाग रहा हूं। ये भी एक बढ़िया गन है, M146 है, और ये जो भी इसका नाम था, वो से एक कान में से धुआं निकल रहा है इसलिए मैं दूसरी कार लेके जाऊंगा। और ये क्या हुआ एक्चुअली, मेरे को आदमी दिखाई नहीं, ये एक्चुअली हुआ क्या मेरे को सच में आदमी ऐसे छुप के मार रहे होंगे। वो वाला जो मैच था उसमें मेरे 2 किलो हो पाए और एकदम से ऊपर से किसी ने मार दिया, वो दिखा ही नहीं। लेकिन अभी सोच रहा हूँ एक और मैच खेलूं, सो अभी मैं और बारी एक और मैच में आया हूँ। देखते हैं, यहाँ पे दोनों जगह मेरी टीममेट्स ने जगह बना रखी है। लेकिन अभी मैं शुरू में जंप करने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैंने जंप किया। पैराशूट को अगेन मैं खुद से खोलने दूंगा, अभी मैं खुद नहीं खोलना चाहता। पहले यहां लूट मचा दो, ये बड़ी जगह है, ये जगह छुपने के लिए बेस्ट है, आई मीन छुपके वार करने के लिए, छुपके मारने के लिए। और ये गन मिल गई मेरे को, SKS मिल गई। लेकिन अभी मैं UMP9 यहाँ ये वाली यूज कर रहा हूँ। और इससे और जिस समय आपको एनिमी देखें आपको उसी समय ये चलाना पड़ेगा। वैसे ये तो आपके लक पे है कि वो एनिमी कैसा हो, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो या फिर ना हो। मेरे को एकदम एनिमी जैसे ही देखा मैं उसी समय आ गया। मतलब एक बार बॉट भी हो सकते हैं, एनिमी एयरबॉड भी हो सकते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली येलो पॉइंट वाली खुद ही उठा लेता है। अरे यहाँ पे मेरे पास एक जगह M146 है, ज़्यादातर ऐसे बैठ जाया करो ताकि कोई विंडो से इतना मार ना पाए। इसमें कोई स्कोप नहीं है, नॉर्मल है, और इसमें ये स्कोप है। लेकिन अभी मैं M146 ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ कि मतलब ऊपर की जगह तो नहीं है, यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि स्कोप कैसे चेंज करते हैं और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो कैसे गिराएंगे। जिन पे रेड मार्क बना हुआ आ रहा है उसको ऐसे गिरा सकते हैं। अभी मैंने उसको वो M146 को दे दी। और पीछे ग्रेनेड है, इसको तो मैं जरूर उठाऊंगा। ध्यान से निकल लेता हूँ, मेरे को अभी हेलमेट मिली। और अगर कभी भाग रहा हो या फिर कभी ब्लू जोन में ऐसे फंस रहे हो तो फिर वो अगर हम वेपन्स को अंदर रख ले तो हम तेज भाग सकते हैं। अभी बस मेरे को लोग भी ढूंढने हैं ना, ज़्यादा लोग भी नहीं देखे।
देखो ऐसी ऐसी वाली जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ बाहर खड़े होकर वॉल से चिपट के भी देख सकते हैं, और हम जल्दी उठाने का यही प्रोसेस है। अभी मैं एकदम सेफ जोन की एज पर हूँ और मेरे को लग रहा है अंदर कोई है, तो मैं थोड़ी सी बाद में देखूँगा। सो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और एक मिनट, थोड़ी पीछे चीज़ें हैं, ड्रिंक भी अक्सर, ड्रिंक और मेडिक जैसी चीज़ें अक्सर खुद उठा लेता है। और वैसे पूरा देखा करो, शुरू में मेरे को लगने लगा था जैसे सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई भी मार सकता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बच के रहना है। आप चलो, आप भाग सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसके बाद ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थी। और जैसे ये देखो, ये भी ये मिस्टर जी आराम से पानी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड तेज है। तो मैंने ग्रेनेड आगे करके फेंक दिया है, लेकिन शायद उतनी आगे गया नहीं है जहाँ पे मैंने फेंका है। और ये कार एनिमी की है, इसलिए मैं इस पर गन्स चलाई जा रहा था। मेरे को लगता है अभी थोड़ी पास जाना पड़ेगा। यहाँ से पास से जो भी मार रहा है मेरे को डैमेज नहीं हो रहा, तो निकल जाओ। दो एनिमीज आराम से बैठे हुए थे, और इतनी पास आके इसने मेरे को मार दिया। अगर एकदम से सामने ना आता ना, तो मैं शायद थोड़ा देख सकता था। अभी मैं वो बैंडेज लगाने की सोच रहा था,
और अगर एकदम से सामने रहा था, मैंने सोचा दो एनिमीज को मार के अभी मैं अंदर आया हूँ, तो फिर जो तीसरा है वो अभी कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन तब भी मैच बढ़िया था, ये पिछले से बढ़िया था। और इस तरीके और इन्हीं टिक से आप अपनी मैच सुधार सकते हो। अभी एक्चुअली मैं 17 ही आया हूँ, मतलब 17 नहीं, मैं 14-15 के आसपास आया हूँ। और इन्हीं तरीके से आप अपने जो रैंक है वो बढ़ा सकते हो। बस ऐसे ही किल्स करते जाने और ये सब करना जाना है। प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो और मैं चलता हूँ, बाय। तब तक के लिए आप ये देख सकते हो। और एक्चुअली हमेशा हमेशा ना मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाता, मतलब हमेशा ही फर्स्ट नहीं आ पाता या फिर हमेशा टॉप 10 में नहीं आ पाता। अक्सर मैं टॉप 10 में आ जाता हूँ या फिर कभी टॉप 10 के पास में आ जाता हूँ। लेकिन देखो वो इन दो मैचेस के बाद मेरी रैंक कैसे बढ़ी है, ये तो मेरी नॉर्मल है, कभी यार इससे तेज़ भी बढ़ती है। अगर मैं टॉप 10 के अंदर आ जाता तो थोड़ी और तेज़ बढ़ती। और इसी तरीके से आप अपनी रैंक बढ़ा सकते हो, चाहे पबजी लाइट हो या पबजी मोबाइल हो, ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल वर्जन हो, लाइट वर्जन हो। तो तब तक ले मैं चलता हूँ, बाय।